उर्दू बाल भारती दूसरी जमात सबक नंबर 9 दोस्ती मशकी सरगर्मियाँ। बच्चों ये जो सबक है दोस्ती इसका पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें इस सबक की जो है तफसील से हमने जानकारी हासिल की, सबक का खुलासा समझा। आज हम इस सबक पर मबनी जो मशकी सरगर्मियाँ हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। देखो पढ़ो लिखो, यहाँ पर जो अल्फाज दिए हैं उन्हें देखना है और जो कहते हैं हमें खाली जगह में लिखना है। महताबी, तो महताबी इसको क्या है, यहाँ पर तख्ती करके दिया हुआ है, टुकड़ा करके दिया हुआ है, लेकिन हमें लिखना क्या है, जो सालिम लफ्ज है पूरा लफ्ज वो लिखना है महताबी। बिल्कुल उसी तरीके से बाकी के अल्फाज भी हम लिख लेंगे, शिरकुरमा, तबादला, इलाके, शरीक, आंसू। अगला सवाल, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। शाकिरा क्यों नहीं खेलती कूदती थी, बहुत ही आसान सा इसका जवाब है, शाकिरा के साथ खेलने के लिए कोई नहीं था इसलिए वो नहीं खेलती थी। दिवाली के दिन शाकिरा ने लता के घर क्या क्या खाया, जवाब, दिवाली के दिन शाकिरा ने लता के घर बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी और शक्कर पारे खाए। सवाल नंबर 3, लता का घर किन चीजों से जगमग कर रहा था, जवाब, लता का घर रोशन दियों से जगमग कर रहा था। सवाल नंबर 4, पटाखे छोड़ने से क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, बहुत ही अहम सवाल है, जवाब है पटाखे छोड़ने से हवा गंदी होती है, ठीक है। सवाल नंबर 5, ईद के दिन शाकिरा की अम्मी क्या खिलाएंगी, जवाब, ईद के दिन शाकिरा की अम्मी सिवैयाँ और शेरकुरमा खिलाएंगी। सवाल नंबर 6, ईद के दिन शाकिरा के अब्बू ने गरीबों में क्या बांटा, जवाब, ईद के दिन शाकिरा के अब्बू ने गरीबों में अनाज और रुपए बांटे। सही लफ्ज से खाली जगह भरो, यहाँ पर कुछ अधूरे जुमले हैं जिनमें हमें क्या करना है, मुनासिब लफ्ज लिख कर उन जुमलों को मुकम्मल करना है। जैसे शाम को लता के घर में हर तरफ दिए जल रहे थे, यहाँ हमने क्या लिखा, दिए, और जुमला मुकम्मल हो गया। ऊंचाई पर रंग बिरंगा आकाशदीप भी लटका हुआ था, खाली जगह में क्या आया, यहाँ पर आकाशदीप। नंबर 2, शाकिरा खुशी के मारे चिल्लाई, लता उसकी आंखों से आंसू निकल आए, ये भी जुमला मुकम्मल हो गया आंसू लिखते ही। नंबर 3, ईद के दिन रोते नहीं खुश होते हैं, यहाँ पर 2 खाली जगहें दी हुई थी, पहली खाली जगह में हमने लिखा रोते और अगली खाली जगह में आ गया खुश, इस तरह से ये जुमला भी मुकम्मल हो गया। अगला सवाल, खाली दायरे में नाम लिखो, शाकिरा के पड़ोसी, शाकिरा के पड़ोसी कौन थे, शर्मा जी और लता, है ना, 2 नाम हमने यहाँ पर लिख दिए। खाका पूरा करो, यहाँ पर जो खाका दिया है इसमें हमें क्या करना है, दिवाली के पकवान के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से पकवान दिवाली के दिन बनाए जाते हैं। यहाँ पर 6 डब्बे दिए हैं, 6 बॉक्स दिए हैं, उनमें हमें क्या करना है, उन पकवान के नाम लिखना है, जैसे बेसन के लड्डू, चूड़ा, करंजी, चकली, सोन पापड़ी और लास्ट में आएगा शक्कर पारे। इस तरह से ये खाका पूरा हो गया। अगला सवाल, ये जुमले किसने किससे कहे, जुमले के सामने लिखो, यानी कि ये जुमला किसने कहा और किससे कहा ये सोचकर हमें उसी के आगे लिखना है। जुमला क्या है देखते हैं, बेटी ऐसे चुपचाप क्यों, खेलती कूदती क्यों नहीं, ये जुमला किसने कहा था, आपने सबक के शुरू में ही ये पढ़ा था, है ना, ये जुमला कहा था पांडे जी ने, किसे कहा था, शाकिरा से। तो हम कैसे लिखेंगे, ये जुमला पांडे जी ने शाकिरा से कहा। नंबर 2, किसके साथ खेलू अंकल, अब पांडे जी की बात सुनकर शाकिरा ने उन्हीं से सवाल किया था, है ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये जुमला शाकिरा ने पांडे जी से कहा। नंबर 3, ये बेसन के लड्डू हैं, ये चूड़ा, जब शाकिरा लता के घर गई थी तब
लता की मम्मी ने शाकिरा से ये जुमला कहा था, तो हम कैसे लिखेंगे? ये जुमला लता की मम्मी ने शाकिरा से कहा। नंबर चार, लता तुम मेरे घर ईद पर आओगी ना? बहुत ही आसान सा ये जवाब है। ये जुमला शाकिरा ने लता से कहा। नंबर पाँच, अरे बेटा ईद के दिन रोते नहीं खुश होते हैं? ये जुमला शर्मा जी ने शाकिरा से कहा। अगला सवाल, सवालों के जवाब के लिए दायरे में सिर्फ एक लफ्ज़ लिखो। देखिए अब हम दो सवाल हैं लेकिन जवाब उनका एक ही आने वाला है, देखते हैं ऐसा क्या जवाब है वो जो कि सिर्फ एक लफ्ज़ में पूरा होगा और दोनों का वही जवाब रहेगा। इस सवाल एक है, शाकिरा की सहेली का नाम क्या था? क्या था नाम? लता, है ना। और अगला सवाल है, ईद के दिन शाकिरा से मिलने कौन आया? जाहिर सी बात है ईद के दिन भी शाकिरा से मिलने लता ही आई थी। तो देखा आपने वो लफ्ज़ क्या है, फिर लता। चलिए दायरे में लता लिख दिया। अगला सवाल है, शाकिरा कौन सी जमात में पढ़ती थी? लता किस जमात में पढ़ती थी? देखिए ये दोनों ही सवाल का जो जवाब है वो आएगा दुवम। लिख दिए हमने जुमला, यहाँ पर क्या है बिना लिखे ही जवाब मुकम्मल हो गया। अगला सवाल, खाली चौकोर में सीन शीन लिखकर पूरा लफ्ज लिखो। देखिए जैसे यहाँ पर दाल बाव लिखा है, बॉक्स दे दिया है यानी कि खाली जगह छोड़ दिया है, उसके आगे ते ई लिखा, अगर यहाँ पर हम सीन शीन में से सीन लिखते हैं तो क्या लफ्ज बन जाएगा? दोस्ती। अगले इसमें हम देख रहे हैं शीन लिखने से शाकिरा लफ्ज तैयार हुआ, उदास यहाँ पे सीन आ गया, है ना, खामोश यहाँ पे शीन आ गया। नंबर पांच पे हम लिखेंगे बॉक्स में सीन, सीन लिखते ही ये लफ्ज तैयार हो जाएगा सहेली, सीन है ये लाम ई, है ना, सहेली। उसके बाद नंबर छह पे आएगा शीन बॉक्स में, तो शीन लिखते ही ये बन जाएगा शेरखुरमा, है ना। नंबर सात पे आएगा शीन फिर से और बन जाएगा आकाश, और नंबर आठ पे जो बॉक्स दिया है वहाँ पे हम लिखेंगे शीन और लफ्ज़ तैयार हो जाएगा खुशबू। इस तरीके से देखिए बहुत ही मज़ेदार सी ये सरगर्मी थी जो कि हमने अभी अभी मुकम्मल कर ली है। अगला सवाल, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को सही खानों में लिखो। अब देखिए ईद के दिन क्या चीज़ें हम देखते हैं सुनते हैं या ईद से जिन लफ्ज़ों का ताल्लुक होता है वो हम ईद के कॉलम में लिखेंगे और दिवाली से जिन लफ्ज़ों का ताल्लुक होता है वो हम दिवाली के कॉलम में लिखेंगे। जैसे आकाशदीप, पता है दिवाली में लगाया जाता है ये आकाशदीप, दिवाली के कॉलम में हमने लिख दिया। शेरखुरमा ईद के कॉलम में, चूड़ा दिवाली के कॉलम में, बेसन के लड्डू भी दिवाली के कॉलम में, मेहता भी दिवाली के कॉलम में, अतर अतर यानी खुशबू ये ईद के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है, नए नए कपड़े ईद, है ना, वैसे दिवाली में भी नए नए कपड़े पहनते हैं तो दोनों तरफ ही लफ्ज़ आ सकता है। सिवैयाँ ईद, करंजी दिवाली, गरीबों की मदद ईद, पटाखे दिवाली, शक्करपारे दिवाली, चकली दिवाली, सोन पापड़ी दिवाली। इस तरह से ये जो जदवल है ये भी मुकम्मल हो गई। ज़मीन और आसमान पर नज़र आने वाली चीज़ों को अलग करके लिखो। अब यहाँ पर दो अलग बॉक्स कॉलम दिए हैं, एक में लिखा है ज़मीन पर, दूसरे में लिखा है आसमान पर, तो चलिए जल्दी से हम इसे भी मुकम्मल कर लेते हैं। तारे आसमान पर होते हैं, इसलिए हम आसमान पर इस कॉलम में तारे लिख दिए। नदी ज़मीन पर होती है इसलिए ज़मीन पर ये कॉलम में नदी लिख दिए। सूरज आसमान पर, पहाड़ ज़मीन पर, तालाब ज़मीन पर, चांद आसमान पर, बादल आसमान पर, धनक आसमान पर, पेड़ ज़मीन पर, हवाई जहाज़ आसमान पर और बाग ज़मीन पर। देखा ये भी जदवल मुकम्मल हो गया। अगला सवाल, नीचे दिए हुए नामों में से परिंदों और जानवरों के नाम अलग करके लिखो। यहाँ पे हमें क्या करना है, परिंदे और जानवर इस तरीके से दो कॉलम तैयार करना है और उनके नाम लिखना है। जैसे बैल ये जानवर है, गाय जानवर, चिड़िया परिंदे में आ जाएगा, है ना, तोता परिंदे, बिल्ली जानवर, कौवा परिंदे के कॉलम में आएगा, मैना परिंदे के कॉलम में आएगा, बकरी जानवर है, कबूतर परिंदे के कॉलम में आएगा, शेर जानवर, चील परिंदे के कॉलम में आएगा और हरन फिर से जानवर के कॉलम में। इस तरीके से ये भी मुकम्मल कर लिए हमने। अगला सवाल, दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगह भरो और जुमले पूरे करो। यहाँ पर जो कॉस में अल्फाज दिए हैं उनकी मदद से हमें क्या करना है, खाली जगह मुकम्मल करना। मुझे
अब आपको इनमें से कौन कौन से फल पसंद हैं वो लिखना है। तो जाहिर सी बात है फल तो सभी पसंद होते हैं, है ना, लेकिन फिर भी आप क्या करेंगे उनमें से जो भी आपको पसंद है वो लिख, जैसे मुझे पपीता पसंद है ना, तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको भी पपीता ही पसंद हो, लेकिन फल कोई भी हो हमें खाना चाहिए। मुझे क्रिकेट पसंद है ना, आप कोई भी खेल का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, हर एक का पसंदीदा खेल अलग अलग हो सकता है। अब अगला सवाल क्या दिया है, पहली जमात में तुमने ये कहानी पढ़ी होगी, है ना, तुम ये कहानी पढ़ चुके हो, अब इस कहानी को पूरा करो। दो दोस्त जंगल से गुजर, अचानक एक रीछ, एक दोस्त दरख्त पर चढ़ गया, है ना। तो अब हम यहाँ पर जो खाली जगह दी हुई है इनमें क्या करेंगे, मुनासिब अल्फाज लिखकर इस कहानी को मुकम्मल करेंगे। दो दोस्त आपस में बातें करते हुए किसी जंगल से गुजर रहे थे, अचानक उन्हें एक रीछ आता हुआ नजर आया। रीछ को देखकर एक दोस्त तेजी से दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे दोस्त को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। अब वो हैरत में रह गया, लेकिन जान बचाने की खातिर वो सांस रोककर ज़मीन पर ही लेट गया। रीच लेटे हुए दोस्त को सूंघ कर मुर्दा समझकर चला गया। पहला दोस्त रीच के जाने के बाद दरख्त से नीचे उतरा और ज़मीन पर लेटे हुए दोस्त से पूछा कि रीच ने तुम्हारे कान में क्या कहा। दोस्त ने जवाब दिया कि मुसीबत के वक्त दोस्त को अकेला छोड़कर चला जाने वाला सच्चा दोस्त नहीं होता। कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है कि मुसीबत के वक्त जो हमारे काम आए वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। तो कहानी का उन्वान क्या हुआ, मतलबी दोस्त। जोड़ियाँ लगाओ, जोड़ियाँ लगाने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना है, लकीरें खींच कर जोड़ी लगाना। जैसे ईद, ईद पे क्या बनाते हैं हम शिरकुरमा, तो ईद की जोड़ी शिरकुरमा से लगी। दिवाली जो है दीप जलाते हैं, क्रिसमस सांता क्लॉज, होली होली रंगों से खेली जाती है इसलिए होली की जोड़ी रंग से लग जाएगी। इस तरीके से आपको ये जोड़ियाँ लगा कर भी हमने बता दिया। अब अगला सवाल है, अपने दोस्त या सहेली के बारे में दो जुमले लिखो। आपको क्या करना है, अपनी सहेली हो या फिर दोस्त उनके बारे में दो जुमले बताना है। जैसे यहाँ पर मैं एक मिसाल के तौर पर आपको बता रही हूँ कि मेरी सहेली का नाम रिजवाना है। आप अगर अपने दोस्त का नाम बता रहे हैं तो अपने दोस्त का नाम वहाँ लिखिए, और वो बहुत ज़हीन है, वो बहुत मेहनती है, वो हमेशा जमात में अव्वल आती। इस तरीके से आप कुछ भी दो जुमले अपने दोस्त या सहेली के बारे में लिख सकते हैं। अब लास्ट में जो सरगर्मी दी है वो है ईद और दिवाली पर पांच पांच जुमले लिखो। इस सबक को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद आप आसानी से ईद और दिवाली पर पांच पांच जुमले लिख सकते हैं। तो ये सरगर्मी आपको मुकम्मल करनी है, पांच जुमले लिखना है। तो इस तरीके से हमारा ये जो सबक है दोस्ती मशकी सरगर्मियों के साथ अभी हमने मुकम्मल किया। चलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए सबक के साथ, नई जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।